वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अमीर ये पैसे रख लें। मिल गई तनख्वाह? जी गिन भी लें आप। ये भी पैसे, ये भी रख लें, ये आयमा के लिए है। ये सारे तो एक साथ नहीं हो सके, ऐसा ऐसा करके पूरे कर दूंगा। आप जमा भी तो कर लेती हैं? हाँ बेटा, मैं तो बहुत सोच समझ कर खर्च करती हूँ। जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। बस आप दुआ किया करें कि आगे भी अच्छा ही हो। इंशाल्लाह। वो माहिर की फीस तो मैं उसे मत देना, मेरा मतलब मुझे दे देना, मैं दे दूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये है कहाँ वैसे? बाहर निकला है अभी। अम्मी वो हर वक्त ही बाहर रहता है, समझाए ना उसे, इतना बाहर रहना सेफ नहीं है। बेटा मैं तो समझाती हूँ, सुनता कहाँ है मेरी। वैसे अभी निकला है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार गलती हो सकती है लेकिन दूसरी बार नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अभी तो एटीएम से कैश निकलवाया था। कौन निकाल सकता है मेरे पैसे? यहाँ रखे थे, गिन रही थी। अनूर सब ठीक तो है ना? अम्मी, अम्मी ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपके चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन याद नहीं आ रहा। ओ, बैग में? नहीं, बैग में तो मैं कुछ ढूंढ रही थी। अच्छा, ये मेरी सैलरी तो आप जानती हैं, फिलहाल तो इतने ही अफोर्ड कर सकता हूँ। अब आप चाहें तो इसको एक हफ्ते में खर्च कर दें या फिर एक दिन में, आपकी मर्जी है। आप मुझे पॉकेट मनी दे रहे हैं? जी। मगर क्यों? पैसे हैं मेरे पास, आज ही मुझे सैलरी मिली है। हाँ पता है मुझे, मगर ये मेरा फर्ज है। जैसे अभी अम्मी को घर खर्च के लिए पैसे दिए हैं, आयमा को और माहिर को पॉकेट मनी देता हूँ, इसी तरह। लेकिन ना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना? आप भी जिम्मेदारी है मेरी। ज्यादा तो नहीं दे सकता, थोड़े ही है, मगर मुझे आदत होनी चाहिए आपका खर्च उठाने की। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि घर के खर्च में कुछ कंट्रीब्यूट करूं। और आप? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। लोगों के शुभ को यकीन में मत बदलिएगा कि मैंने आपसे शादी आपके पैसों की लालच में की।